ओम को हिंदू धर्म में काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ काम के लिए ओम का प्रयोग लोग बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत से लोग अपने घरों के सामने या तो ओम बनवा देते हैं या तो ओम लिखवा देते हैं। अक्सर आपने गाड़ियों पर भी ओम का निशान देखा होगा। कहा जाता है यह भगवान शंकर का एक शुभ प्रतीक है। ओम को मंदिरों में भी काफी ज्यादा लिखते हुए आपने लोगों को देखा होगा। ओम के प्रयोग से कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा शुभ होता है, इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आपको बता दें, इसका महत्व किसी भी शादी विवाह या शुभ काम में भी किया जाता है। ओम को सेहत के लिहाज से काफी ज्यादा अच्छा माना गया है। बताते चलें कि ओम का उच्चारण करने से दिल से जुड़ी समस्या दूर हो जाती है। इसको अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक भी माना गया है। ओम शब्द तीन ध्वनियों से बना हुआ है, आ ऊ मा। तीन ध्वनि का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक भूवलोक है और स्वर्णलोक का प्रतीक है। यदि प्रातः उठकर पवित्र होकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें, ओम का उच्चारण करने से काफ़ी कुछ बदल जाता है। इसका उच्चारण 5, 7, 10, 21 बार अपने समानुसार कर सकते हैं। ओम जोर जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे भी बोल सकते हैं। ओम जप माला से करने से भी सेहत को फायदा होता है। नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।